फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल सिडनी एंटरटेनमेंट। माय नेम इज सपना। आई एम पंकज। सो गाइस आज हम लोग रिएक्शन नहीं देने वाले हैं। जी हाँ। आज सो गाइस हम लोग रिएक्शन नहीं देंगे, एक वीडियो है, स्पेशल सा वीडियो है और जो भी बेसिकली ये रिलेटेड है दिलिस एर्तुगरुल पॉपुलैरिटी के ऊपर। इस वीडियो में ये बताया गया है कि मतलब किस कंट्री में और ये जो वेब सीरीज है उसकी पॉपुलैरिटी को बताया गया है, मे बी फ्रॉम 2014 से लेके 2020 तक, मतलब अभी बोले तो सिक्स इयर्स, कहाँ पे किस कंट्री पे ये जो वेब सीरीज है या जो भी वीडियो है कहाँ कितना पॉपुलर है। सो कोशिश करते हैं कि पता चले कि हमें एक्यूरेट डेटा है कि नहीं है ये, और ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने इस पे वीडियो बना दिया है। सो हमें भी ये वीडियो मिला है तो हम भी सोचे कि इसको देखा जाए कि मतलब यार किस कंट्री में इस वेब सीरीज की इर्तुगरुल गाजी की कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। और सो गाइज ये एक छोटा सा ही वीडियो है, साथ में आप लोग भी देखिए और हम भी देखते हैं कि किस कंट्री में इसकी कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर वन पे है टर्की, नंबर टू अज़रबैजान, यूएई नंबर थ्री, मतलब 2014 चल रहा है और 12 मिलियन है टर्की में, 7 मिलियन अज़रबैजान, यूएई में 3 मिलियन। क्योंकि ये टर्किश है ना वेब सीरीज तो वहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी काफी है, ज्यादा है उस टाइम में 2014। लेट्स सी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी 2015 आने वाला है, आ गया। इंडोनेशिया ऊपर आ गया सेकंड नंबर पे, एकदम से छलांग मारी यार इसने तो, 10 मिलियन। मोस्टली इंडोनेशिया में काफी मुस्लिम्स लोग रहते हैं, ये सारी कंट्रीज जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं। 2015 क्वार्टर थ्री इंडोनेशिया, टर्की लेकिन अभी भी आ गया बहुत ज्यादा। इंडोनेशिया पीछे हो गया है थर्ड नंबर पे, अज़रबैजान 4, यूएई 5, बांग्लादेश भी है वो पहले थर्ड पे था, कैसे कैसे के नीचे आ रहा है। अफगानिस्तान भी आ गया है 2016 क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर अभी भी टर्की नंबर वन पे है, ब्राज़ील नंबर टू, 2017 आने वाला है। अरे वाह, 2017 में इंडिया नंबर टू पे आया है, इंडिया भी, ये भी आ गया है ना, टूनिशिया अभी भी ऊपर है बट इंडिया में बहुत मुस्लिम्स हैं। 32 हाँ करेक्ट, इंडिया में भी काफी मुस्लिम है। टूनिशिया भी थर्ड नंबर पे आ गया, जर्मनी फोर्थ पे आ गया है, ब्राजील नीचे आ गया है, 35 मिलियन इंडिया में है और 27 टूनिशिया, जर्मनी में। अरे जर्मनी मतलब वहाँ पे भी इसकी काफी पॉपुलैरिटी है, मतलब काफी अच्छे व्यूज मिले हैं उस टाइम पे। 2018 पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान तो मेजर लाइक मुस्लिम कंट्री है, इंडिया अभी भी अब थर्ड नंबर पे इंडिया पहुंच गया। अरे पाकिस्तान ने अच्छी जंप मारी, लेकिन टर्की नंबर वन पे 82 मिलियन, 53। ओ टफ कंपटीशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जी जी थोड़ा सा फासला है राइट, बस 49 56, 2018 फोर्थ क्वार्टर। हां यहां पे यामीन नीचे आ गया है, 2019 आने वाला है। ओ अरे यामीन ऊपर आ गया और या अरे पाकिस्तान भी ऊपर आ गया, पाकिस्तान ने काफी ग्रोथ करी यार। नंबर वन बाप रे, बाजी मार ली गई। यामीन भी ऊपर आया है, इंडिया थर्ड नंबर पे, 87 टर्की सेकंड नंबर पे आ गया है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जर्मनी अब नीचे हो गया, लोग गायब हो गया। इंडिया फिर आ गए सेकंड नंबर, लेकिन है पाकिस्तान कितना आगे गजब यार, गजब। ये भी टूनिशिया भी ऊपर आ गया, फर्स्ट में आ गया राइट। ओके बस
आई थिंक इतना ही है मेरे ख्याल से यार। पाकिस्तान यार गजब यार 395 मिलियन इंडिया वाव मतलब मजा आ गया देख के रहे हैं कंपटीशन वाइज। वाह यार वाह वाह। एक बार लास्ट सीन एक बार फिर से देखते हैं मतलब रैंकिंग का क्या है। तो ये है 390 मिलियन पाकिस्तान नंबर वन पे रहा, इंडिया अपना सेकंड नंबर पे रहा 125, टर्की थर्ड नंबर पे रहा। यार मतलब टर्की की वेब सीरीज है वहां से ओरिजिन है इसका लेकिन पाकिस्तान इंडिया में काफी पॉपुलैरिटी है। यहाँ पे 2014 से दिखाया है। हाँ 2018 से जब 2019 के बाद पाकिस्तान ने काफी ग्रोथ आई है काफी ज्यादा लोगों को काफी पसंद आया फिर वहाँ पे बहुत पसंद आया तो एकदम से पाकिस्तान आगे निकल गया। इंडिया उससे सेकंड नंबर पे रह गया बट टर्की थर्ड नंबर पे है। ये देखो ये टर्की और ये पाकिस्तान यामीन ये सब मोस्टली इंडोनेशिया ये सब मुस्लिम कंट्रीज है। इंडिया में भी काफी मुस्लिम्स हैं जो इस तुगल गाजी मतलब सीरीज को देखते हैं कितने मतलब फैन बेस है तभी तो लोग इनके ये सीरीज देखते हैं। काफी हमको भी देखनी चाहिए यार देखना चालू करते हैं वन से चालू करना पड़ेगा यार मतलब इतने व्यूज मतलब यार मजा आ गया देख के। तो मैंने आई थिंक इतने तो मैंने किसी मतलब ये तो लग ही रहा था कि ऐसे मतलब होगा। इंडिया का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब इंडिया में इतने लोग देखते होंगे लेकिन हो सकता है ना जिस तरह से पाकिस्तान में उस टाइम पॉपुलर हुआ इंडिया पाकिस्तान मतलब पड़ोसी देश है हो सकता होगा यूट्यूब पे एकदम से पॉपुलर हुआ होगा तो यहाँ क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के व्यूज देखते रहते हैं यूट्यूब पे तो हो सकता होगा वहाँ चला हो तो यहाँ पे यूट्यूब ने उसको प्रमोट किया होगा तो इंडिया में भी एकदम से बूम हो गया। पर मैं स्टार्टिंग में मतलब मैं क्या समझ रही थी कि ना टर्की आगे निकलेगा। हाँ एक्सपेक्टेशन तो वही है क्योंकि वहाँ पे उस समय ये पाकिस्तान का नाम नहीं मतलब हो सकता नीचे एकदम से आया एकदम से जब हाँ इन्होंने हिट कर दिया फिर इंडिया भी एकदम से आ गया। एक्चुअली पहले इंडिया आया था ना कि पाकिस्तान नहीं नहीं पहले इंडिया इंडिया फिर पाकिस्तान आया पता नहीं इंडिया आया था फिर पाकिस्तान आया ना। ओके ओके इंडिया में पॉपुलैरिटी हुई फिर इंडिया पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान ने फिर ऐसा पछाड़ा कि मतलब आगे कोई मतलब आगे जा निकल पाया। बढ़िया यार मतलब इतनी पॉपुलैरिटी इस सीरीज की यार मतलब देखना तो बनता है पता नहीं कितने सीरीज है कितने मतलब सीरीज आई होंगी निकल चुके होंगे मतलब कितनी सीरीज होंगी फिर उसके कितने एपिसोड्स होंगे। अच्छा लग रहा है यार देख के मजा मतलब ऐसे कंपटीशन वाले मतलब एक इंटरेस्ट सा लगता है ना देख के यू नो जैसे ये वीडियो देखा तो मुझे लगा यार इस पे रिएक्शन देना चाहिए क्योंकि मतलब ये अब ये नहीं पता कि ये डेटा कितना एक्यूरेट है ये नहीं बोल सकते लेकिन ये जिसने भी बनाया है उनका हम लिंक आपको दे देंगे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का आप जाके उनको भी सब्सक्राइब करिए और होप सो कि ये कंटेंट अच्छा हो बढ़िया हो एक्यूरेट हो ताकि जो भी है अब देखते हैं 2021 चल रहा है अब जिस तरह से हमको ये पता लगा तो हम तो एक नए व्यूअर हो गए ना तो इंडिया की और पॉपुलैरिटी ऊपर आनी चाहिए और जैसे कि हमने इनके दो तीन वीडियो पे रिएक्शन दिया है तो यार लग रहा है मेरी फेवरेट बन गया मुझे भी अच्छा लगा इनका मतलब वो यू नो वो गाना वाला वो जो देखा था अपन ने वो भी मस्त था। So guys, ये हमारा एक था वीडियो मतलब पॉपुलैरिटी के ऊपर हमने बातचीत करी है और कितने ज्यादा व्यूअर्स किस कंट्री में है उस तरह का ये एनालिसिस था 2014 से 2020 तक जी। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा बहुत मजा आया आप लोगों को हमारा ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अगर चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बेल को हिट करो फॉलो करो इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाके और अब हम लोग आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय खुदा हाफिज़।